महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, जिससे आपको सम्यक दर्शन मिलता है, राइट विजन मिलता है, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, आपकी नकारात्मक सोच दूर होती है, उससे आप एक सुंदर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनते हो। हम आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं, हम आपके अच्छे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, इसीलिए सनातन सत्य जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये कार्य हम सब अलग अलग विषयों के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, भावधारा के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सम, शम और श्रम। भाई और बहनों, ये त्रिवेणी संगम है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन है, ये ट्रिपल ज्वेल्स सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो मोक्ष के मार्ग है, ये तीनों उसके लिए ये है। और सत्यम, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, यानी इन तीनों के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सम, शम और शम प्रधान है। ये तीनों क्या है, पहले हम इन तीनों को परिभाषित करेंगे, तीनों का आपस में कोरिलेशन देखेंगे और फिर तीनों का जो है हम आपस के अंदर ब्लेंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सम को लेते हैं। सम का मतलब संभाव, एक सा समझना, उसके अंदर कोई अंतर न समझना। कैसे? लाभ हानि, सुख दुख, सम्मान तिरस्कार, और जो है हमारा नफा नुकसान, ये जो दो जोड़े हैं उन दोनों में समान की स्थिति रखना। सामान्य व्यक्ति क्या होता है कि सुख आता है तो वह फूल जाता है और दुख आता है तो वह गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होता है, डिप्रेशन होता है और कई कई बार व्यक्ति कोमा तक में चला जाता है, सुसाइड भी कर लेता है। तो दोनों के अंदर समान रहने से हमारा जीवन होलिस्टिक बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करना ही पड़ता है, कर्म से एक क्षण भी बच नहीं सकता है। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति जितनी भी हम की जाती है, ये हमारा सारा कर्म है। अब इस कर्म को हम कर्म योग के रूप में करें। कर्म योग क्या है कि आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि हम संभाव में रहते हैं, क्योंकि फल की इच्छा तो करनी नहीं है हमको, तो मात्र अपना कर्म करना है। लेकिन सामान्य व्यक्ति कर्म करना प्रारंभ करने से पहले फल की इच्छा कर लेता है। जैसे कि एक विद्यार्थी है, वो बोर्ड की परीक्षा देता है तो परीक्षा में अपीयर तो हुआ ही नहीं, उसके पहले सोचने लग जाता है मेरे फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, 95% आनी चाहिए, पूरी क्लास में प्रथम आना चाहिए, पूरे स्टेट में प्रथम आना चाहिए। इस तरीके के जो है वो फल की इच्छा पहले से ही करने लग जाता है। तो अगर वैसा हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उस व्यक्ति को कष्ट होता है, दुख होता है, डिप्रेशन होता है और वो कई कई जो है गलत लाइन के अंदर वो चला जाता है। इसलिए भाई और बहनों, अगर हम फल की इच्छा नहीं करते हैं तो हमारे कर्म का बंधन नहीं होता है और हम संभाव की स्थिति में रहते हैं। इसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो कि नफा नुकसान, लाभ हानि, सुख दुख और सम्मान तिरस्कार में एक सा रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता है, दोनों को एक सा ही समझता है, दोनों को एक से तराजू पर तोलता है, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया कि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। आपको सुख आया यह भी चला जाएगा, दुख आया यह भी चला जाएगा,
जब हम लेट गो करते रहते हैं तो संभाव की स्थिति में आते हैं, क्योंकि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज जिस वस्तु का संयोग है वो अपना समय पूरा करके फिर वियोग स्टार्ट हो जाता है, फिर वियोग के बाद फिर नया संयोग होता है, और ये चेन, ये श्रृंखला चलती रहती है। जब तक जीवन है ये श्रृंखला चलती रहेगी। जब श्रृंखला चलती रहेगी तो सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, उस श्रृंखला के अंदर हम क्यों प्रभावित हैं, क्योंकि ये तो आनी है जानी है धूप छांव की तरह। क्या कोई धूप छांव को रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। क्या कोई जीवन में अपने उतार चढ़ाव को रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। जब रोक नहीं सकता है तो आप समन्वय की स्थिति में आओ, उसके साथ समझौता कर लो, और सुख दुख के अंदर समझौता करना, एक रहना। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो है संभाव की स्थिति को पकड़ लिया और हम प्रज्ञा चक्षु बन गए। प्रज्ञा चक्षु वह होता है जो संभाव की स्थिति में होता है, और संभाव हमारा स्थाई समाधान है। कैसे स्थाई समाधान है? कि हमारे जीवन भर ये राग द्वेष चलता रहता है, ये प्रिय है ये अप्रिय है, इसको मैं गले लगाता हूँ, इसका मैं तिरस्कार करता हूँ, इससे मैं दोस्ती करता हूँ, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। इस तरह की दो विपरीत धारणाएं हमारे जीवन भर चलती रहती है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि दोनों स्थितियों के अंदर हम अप्रभावित करें? कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यानी व्यक्ति जो है दुख आता है भयंकर जब भगवान को याद करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे इस दुख से बाहर निकालो। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के अंदर तुम इतना गिड़गिड़ाते हो, इतनी प्रार्थना करते हो, तो तुम सुख में भी वैसे ही ईश्वर को स्मरण किया करो तो तुम्हारे दुख आएगा ही नहीं। तो इसीलिए संभाव की स्थिति में रहने वाला, सम की स्थिति में रहने वाला, वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रारंभ से ही दोनों को एक सा समझ रहा है। इसीलिए ये हमारी सम की संस्कृति हो गई, संभाव की संस्कृति हो गई, और राग द्वेष को कम करने का स्थाई सॉल्यूशन संभाव है। मुक्ति में जाने का स्थाई सॉल्यूशन संभाव है। दुख में से सुख निकालने की कला का स्थाई समाधान संभाव है। आप मुझे कहो कि पूरी भारतीय संस्कृति में से एक ऐसा सुंदर मूल्य निकाल के दो कि जिसको हम जीवन का लक्ष्य बनावें तो, और हम जीवन को सुखी बनावें तो, भाई और बहनों मैं कहना चाहूंगा वो शब्द है संभाव। हर स्थिति के अंदर एक से रहो, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सुख और दुख को दोनों को एक समान समझो तो आपको कोई दुख होगा ही नहीं, आप अप्रभावित रहेंगे, आप एक साधक का जीवन जिएंगे, और धीरे धीरे आप स्थाई सुख, जो शाश्वत जो सुख, जो कि हमारे इस जो है वो कार्यक्रम की पूर्ण उपलब्धि है, उसको स्नेह स्नेह आप प्राप्त करते रहेंगे। ये तो सम हो गया। दूसरा श म, शंकर वाला श म। शम का मतलब समन करना, सम का मतलब होता है दबाना, सम का अर्थ होता है उसको जो है दबा करके रखना। किसको दबाना? हमारे जो भीतरी शत्रु है उनका उपशमन करो, उनको दबा कर रखो, उनको प्रकट मत होने दो। वो कौन से दुश्मन है? वो क्रोध है, अहंकार है, माया है और लोभ है। इनका उपशमन हम कैसे करें कि जब आपको क्रोध की स्थिति बने, क्रोध आने लगे, तो आप प्रतिपक्षी को खड़ा कर दो। वो प्रतिपक्षी है क्षमा। क्रोध का भाव आते ही आप क्षमा की अनुप्रेक्षा चालू कर दो, आप क्षमा को उसके सामने खड़ा कर दो, तो जब क्षमा को देख करके क्रोध शांत हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति पे हमको क्रोध आ रहा है, जिसके कार्य पे क्रोध आ रहा है, उसको क्षमा कर दो। क्षमा कर देंगे तो क्रोध नहीं आएगा। और अहंकार, अहंकार के अंदर व्यक्ति घोड़े पर चढ़ जाता है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और बाकी अपने से दूसरे वालों को नीचा दिखाता है, नीचा देखने लग जाता है, छोटा समझने लग जाता है। अहंकार को मृदुता से जीतो। मृदुता का अर्थ होता है कि मीठापन। मृदुता का अर्थ होता है
की विनम्रता, विनय, जब अहंकार भीतर फड़फड़ाने लगे, अहंकार रूपी नाग तपा विनम्र हो जाओ। आपके विनम्र होते ही जो अहंकार आप पर कोई भी असर नहीं करना लगेगा। कोई भी सामना व्यक्ति हमारे पर अहंकार कर रहा है तो आप विनय भाव से, विनम्रता भाव से उसके सामने प्रस्तुत करो। उदाहरण के लिए मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे लड़ाई करने के लिए आया है और आपको गालियां बोलना प्रारंभ कर दिए, आपको अनर्गल बोल रहा है, तो आपने परम विनय से आप चुपचाप रहे तो उसकी जितनी गालियां थी जो अनर्गल बोला है वापस उसको लौट जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ये विनय भाव रखने से एक्सेप्टेंस नहीं रही, और आपने अगर उसके साथ में टकराव करना चालू किया, वो एक बोला आप दो बोले और वो दो बोला आप चार बोले, नैले पे देला मारा, टिट फॉर टैट किया, हम कौन से कम हैं, जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो लड़ाई टकराव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस कार्रवाई हो गई, कोर्ट कार्रवाई हो गई, और हमारे कर्मों का बंधन हो गया, और हमारी जो दुख की स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसी स्थिति पैदा हो तो आप तो मृदु बन जाओ, आप तो विनयशील बन जाओ, आप पोलाइट हो जाओ, तो वह स्थिति टल जाएगी। और ये जो अहंकार की स्थिति, क्रोध की स्थिति, ये क्षणिक आती है, लंबे समय तक नहीं टिकती है, क्योंकि ये हमारे भीतर विराजमान प्रभु है उसकी जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो विजातीय है। विजातीय तत्व ज्यादा नहीं ठहरता है, जो मूल तत्व होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, जो लक्षण होता है, वही रुकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 24 घंटे क्रोध में रह सकते हो, कभी नहीं रह सकते। 24 घंटे क्रोध करोगे तो आपका जो है वो माइंड जो है फट जाएगा, आपको कोमा हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, 24 घंटे रह ही नहीं सकते। और क्षमा का भाव, विनय का भाव, ये आपकी प्रॉपर्टी, अब लक्षण है, इसमें 24 घंटे क्या पूरे जीवन भर रह सकते हो, क्योंकि आपका लक्षण है, ये आपका गुण है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और जिस व्यक्ति का जो गुण होता है गुणी से कभी अलग नहीं होता है, तो उस गुण के साथ आप हमेशा रह सकते हो। तो इसीलिए ये शमन करना, क्रोध, अहंकार, माया, छल, कपट, घृणा, ईर्ष्या, मत्सर, और जो एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, इधर का उधर करना, छल कपट करना, ये सब माया है। माया को सरलता से जियो। यानी जब एक सांप होता है अपने बिल में जाता है, तो सांप तो टेढ़ा मेढ़ा हो करके हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो सीधा होके जाता है, यानी वह सरलता से जाता है, टेढ़ा मेढ़ा बिल के अंदर होकर के बिल में नहीं जा सकता है। इसका अर्थ यह है, गंतव्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, सुखी होना है, ब्लिस को प्राप्त करना है, परमानेंट सुख को प्राप्त करना है, तो आप सरलता का जीवन जियो। और मनुष्य जीवन ये तभी मिलता है कि जो जीव सरल होता है, निष्कपटी होता है, और किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानव जीवन मिलता है। तो भाई और बहनों, ये शमन हो गया। और लोभ को संतोष से जीतो। वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोष ऐसा धन है कि आप अरबपति हो, करोड़पति हो, हीरे है, माणक है, पन्ने है, आपके गाड़ियां हैं, आपकी शोहरत है, लेकिन जब आपको संतोष आ गया तो आप समझने लग जाओगे कि ये तो बहुत है भाई, इतना कौन उपयोग करेगा। तो आप उसको चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डाल देते हो, लोक कल्याण के अंदर, परोपकार में उस धन को डाल देते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो बिल गेट्स है, जो विश्व का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, वो उसकी संपत्ति उनको खुद को मालूम नहीं कि उनका इनकम कितना, इतना पुण्य है उसके अंदर।
लेकिन फिर भी जो है बिल गेट्स है अपने स्वयं के उपयोग के लिए, परिवार के उपयोग के लिए अपनी प्रॉपर्टी का मुश्किल से 1-3% उपयोग में लेते हो। 97% जो है उनके चैरिटेबल ट्रस्ट बने हुए हैं उसके अंदर डाल देता। और अब तो बिल गेट्स ने, पहले जो उसका CEO थे, तो अब वो उन्होंने स्थान छोड़ दिया मैनेजिंग डायरेक्टर का। अब उन्होंने कहा कि ये जो मैंने ये डेवलप किया है चैरिटेबल ट्रस्ट है, लोक कल्याण का कार्य डेवलप किया है, उस काम में लगूंगा, क्योंकि मेरी उम्र आ रही है, मेरी अवस्था हो रही है, और अब मैंने लौकिक जो है जीवन तो बहुत अच्छा हो गया है, पारलौकिक जीवन को अच्छा बनाना है। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है श्रम की स्थिति हो गई। और तीसरी है श्रम। देखिए, जो व्यक्ति बिना मेहनत किए भोजन करता है वह इस पृथ्वी पर भार है। बिना परिश्रम किए भोजन करना जो है बिल्कुल अधर्म है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करके फिर जो है वह अपना जो है दिनचर्या का पालन करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो सारी सुविधाएं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं मात्र हम किसी पर निर्भर रह करके इनकी पूर्ति करें तो ये पाप है। ये जो है श्रम से भागना है। और जो व्यक्ति श्रम से भागता है उसका ना तो फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, ना मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, कोई हेल्थ उसको अच्छी नहीं रहती, और वो समाज में भारभूत है। अगर सभी लोग बिना परिश्रम किए अपना जीवन सीधा का सीधा रेडीमेड चलाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि बिना परिश्रम के तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए हर इंसान को श्रम की भावना रखनी चाहिए। जिनका शरीर बलिष्ठ है वो तन का श्रम करे, और जो लोग मानसिक रूप से जो है अच्छे अच्छे जो बुद्धि वाले हैं वो उनको जो है वो अपने दिमाग का श्रम करना चाहिए। श्रम कई तरह के होते हैं, तो बिना श्रम किए हुए हमें जो है अपना दिनचर्या चलाना ये गलत है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। श्रम की संस्कृति देखिए, कहा जाता है कि पसीने की कमाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो भी पैसे का अर्जन करते हैं उसमें हमारी बॉडी में पसीना आना चाहिए। और पसीना कब आएगा, जब व्यक्ति श्रम करेगा। व्यक्ति सोता रहेगा, बैठा रहेगा, खाली फोन करता रहेगा तो उसको किस बात का पसीना आएगा। एक मजदूर देखो बेचारा, जो खड्डे खोदता है, 8 घंटे काम करते 500 रुपये कमाता है, तो कितना बड़ा श्रमशीलता है। और वो हमारे समाज के अंदर एक श्रमशीलता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसलिए भाई और बहनों, एक जीवन का नियम बना लो कि हम श्रम का जीवन जिएंगे, सादगी का जीवन जिएंगे, और घर के अंदर जो कार्य अपने हाथ से करने का होता है सब काम अपने हाथ से करना चाहिए। हमें किसी भी अपने संतान के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, सर्वेंट के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जितना बन सकता है हमें अपने शरीर, जितना शरीर मान्य करे उतना श्रम करना ही चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ज़्यादा श्रम नहीं कर पाते हैं, और जो युवा होते हैं वो ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी पहले बचपन से आगे बढ़ते बढ़ते युवा होकर के प्रौढ़ होते होते वृद्ध होते हैं, तो वृद्ध अवस्था के अंदर शरीर कमजोर हो जाता, उनकी बात और है। लेकिन फिर भी उनकी कमजोरी की अवस्था में मॉर्निंग वॉक करना, इधर उधर घूमना, मोबिलिटी रखना, केवल एक जगह पर सोए नहीं रहना, छोटा मोटा कार्य अपने हाथ से करना, ऐसा करते रहना चाहिए। और वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके लिए ये मेरा पूरा एपिसोड समर्पित है, और उनसे मैं ये पूरे विश्व के वरिष्ठ नागरिकों को, मैं भी वरिष्ठ नागरिक हूँ, उनको समर्पित करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अनुभव के खजाने हो, और 60+ हो जाने के बाद में आपने अपना भरपूर जीवन जिया, आपने अपना बहुत सा अनुभव किया, और उस अनुभव को जो है वो अब लोगों तक बांटने के लिए आप वानप्रस्थ जीवन जिए। पहले हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 100 वर्ष की उम्र होती थी, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, और 26 साल से 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम होता था, और 51 अगर मान लो 51 वर्ष में आदमी फ्री नहीं हो तो 60 भी मान लो आज के टाइम में, 60 पे तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, और 60+ होते ही व्यक्ति अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों से जो है वो उड़ भी हो जाता है। तो वो होने के बाद में आप समाज को समर्पित हो जाओ, क्योंकि
आपके पास में अपनी रोजी रोटी का साधन जो है बन गया होता है, तो उसके अंदर आपका जो रुचिकर विषय है, जो जो विषय आपको अच्छा लगता है, तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो, और बिल्कुल जो है बिना कोई मूल्य लिए वो आप जो आपको पसंदीदा है उसके हिसाब से करो, तो वो करने से आपको सम, शम और शम तीनों ही एक जगह मिल जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसके अंदर घर के अंदर उसके बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, तो वह अगर 4 घंटे किसी संस्था में जाकर के, मान लो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो एजुकेशन जो है संस्था में जाता है और अपने उस पढ़ाई लिखाई को, सब्जेक्ट को वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, तो देखिए कितने बड़े फायदे हैं कि उस संस्था के अंदर रहते रहते वो संभाव की स्थिति को पैदा कर सकता है और शमन कर सकता है अपना, क्योंकि उसके पास समय है, वो मंदिर जा सकता है, वो स्वाध्याय कर सकता है, वो ध्यान कर सकता है, और कई कई प्रयोग जो नहीं कर पाता था पहले, 60 से पहले उसकी बहुत जिम्मेवारियां थी, तो जिम्मेवारियों को वहन करने में भी सारा समय लग जाता, जब आदमी निवृत्त हो जाता तो वो अपने जो बचे हुए कार्य है, जो शेष कार्य है, उनको संपन्न कर सकता है। उनके लिए शम, शम और ये शम की जो हमारी संस्कृति, वैसे तो बचपन से ही ये जो है पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, माँ जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो माँ को अपने बच्चे को जब समझ आ जावे तो ये तीनों संस्कृति के संस्कार देने चाहिए उसको, जो है संभाव के बारे में जैसा मैंने बताया है वो उसको बताना चाहिए कि भाई तुम्हें जितना भी मिल जावे उसी में संतोष करो। और दूसरा शमन का मतलब, बच्चे को क्रोध है, अहंकार है, एम्बिशंस है, ऐसी जब प्रारंभ से हो जाती है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वही संस्कारों की पोद, सच्ची पोद होती है। उस समय के अंदर कोई चीज़ का शोधन कर दिया जाता है तो बच्चा आगे जा कर के वो जो है उस जो है वो गलत संगत से बच जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है ये विषय, जो है एक पूरी फिलॉसफी है, सम, समा, शम और शम के अंदर हमारी भारत की पूरी फिलॉसफी आ गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य मात्र की फिलॉसफी है, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम के घटक है, वसुधैव कुटुंबकम के ये अंश है, ये उसकी फिलॉसफी, उसकी थ्योरी है, तो सबको पालन करना चाहिए। और ये तीनों अगर किसी व्यक्ति में आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन होलिस्टिक बन जाता है, संपूर्ण बन जाता है। इसलिए अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सम, शम और श्रम की संस्कृति जो मैंने बताई है वह जीवन के अंदर पालन करनी चाहिए, और हर क्षण उसको ध्यान करके और उसी के अनुरूप जीवन बनना चाहिए। हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, वो डे टू डे जीवन की जो जीवन जीने की पद्धति होती है, कला होती है, उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। उस लाइफ स्टाइल के अंदर तीनों चीजें आनी चाहिए, तीनों चीजें जब आ जाती है और प्रारंभ से बचपन से आ जाती है तो वो संस्कार हमारे दृढ़ हो जाते हैं, और दृढ़ संस्कार होने के बाद में तो फिर व्यक्ति में समझ आ जाती है, जब वो किशोर हो जाता है या युवा होता है या प्रौढ़ होता है, तो हमें संस्कारों की जैसी पोत से सेचन बचपन के अंदर मिला था वो कभी भूलता नहीं, वो तो पक्की हो जाती है। क्योंकि उस समय तक तो एक रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीजन ऑफ द कंट्री बन जाता है, और उस पर परिवार का भी भार आ जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा सनातन कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप सनातन कार्यक्रम की आत्मा हो। हमें फीडबैक मिल रहा है कि सनातन सत्य कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम हर इंसान के लिए है, हर इंसान को अच्छा बनाने के लिए कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, हम इंसान को सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।